नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्लस टॉप अपडेट्स में। टॉप अपडेट्स के स्पॉन्सर है लॉरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर कुल्लू। आइए नजर डालते हैं खास टॉप अपडेट्स पर। वुटिको ने स्थापित किया जिला का सबसे बड़ा सोलर ऑनलाइन ग्रिड। पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर ने 22 किलो वाट के ऊर्जा प्लांट का किया शुभारंभ। बुटिको सहकारी सभा की फिनिशिंग यूनिट चलेगी सौर ऊर्जा से। मनाली में विदेशी महिला से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, संदिग्ध टैक्सी चालक ही निकला आरोपी। कचरा प्रबंधन परियोजना में सभी 204 पंचायतें शामिल, 135 पंचायतों में हो चुकी है शुरू, 69 पंचायतों को भी दी मंजूरी। कुल्लू जिला के लिए मंजूर हुई 32 करोड़ रुपए की परियोजना। भुंतर के स्वास्थ्य केंद्र तेगुबेहड़ में खसरा और रुबेला रोग की विस्तृत जानकारी के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। खंड चिकित्सा अधिकारी जरी डॉक्टर रंजीत ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। मणिकरण घाटी के कसोल में घंटों लग रहा है जाम, बेतरतीब ढंग से किए जा रहे हैं वाहन खड़े। बारिश के न आने से मणिकरण घाटी में सूखी लहसुन की खेती, घाटी के लोगों को हुआ लाखों का नुकसान। पॉलीथीन उन्मूलन के तहत नगर परिषद कुल्लू के कर्मचारियों ने वार्ड नंबर 9 में पॉलीथीन किया एकत्रित। नगर परिषद कुल्लू उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत रहे विशेष रूप से मौजूद। शुक्रवार को बंजार में आए तूफान से एक दर्जन घरों की उड़ी छतें, प्रशासन से मुआवजे की मांग। शिमला के मॉल रोड पर पानी के टैंकर के द्वारा कुचली महिला की हुई मौत, चालक को मिर्गी का दौरा पड़ने से गाड़ी हुई अनियंत्रित। बजौरा स्कूल में होने वाली खेल प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ी ढालपुर मैदान में कर रहे हैं तैयारियां। पेश है अब टॉप अपडेट्स विस्तार से। बुनकर सहकारिता के क्षेत्र में अग्रणी प्राथमिक सहकारी सभा बुटिको द्वारा सभा फिनिशिंग यूनिट में सौर ऊर्जा प्लांट को स्थापित किया गया, जिसका सभा अध्यक्ष एवं पूर्व बागवानी मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा प्लांट हिमऊर्जा की सहायता से कुल्लू जिला में अब तक का सबसे बड़ा ऑन ग्रिड और ऊर्जा प्लांट है, जिसमें कुल 22 किलो वाट तक की बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, जिसका प्रयोग सभा द्वारा फिनिशिंग यूनिट की मशीनों को चलाने के लिए किया जाएगा। इस अवसर पर हिमऊर्जा वरिष्ठ परियोजना अधिकारी नारायण दत्त, सहायक अभियंता हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी आयुष बिजली बोर्ड जेई धर्मचंद ठाकुर व अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। जो स्कीम है जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की है, उसके अंतर्गत सोलर एनर्जी से पैदा करने के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार का विशेष प्रोत्साहन है, और इससे जो बिजली पैदा होगी वो बिल्कुल एनवायरनमेंट से लीजिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और ये जो बिजली पैदा होगी इससे जो है यहाँ के निवासियों को फ़ायदा होगा, और इससे प्रदेश को फ़ायदा होगा, और इससे सभी को इसका देश को भी इसका फ़ायदा होगा कि जो आज के समय में ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है, तो बुटिको ने भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा करके यहाँ 22 किलो वाट का प्रोजेक्ट लिया है, जिसको कि मिस्टर सूद जी ने तैयार किया है, और यहाँ आज इसका विधिवत शुरुआत हो गई, और इससे 12 जो किलो वाट बिजली पैदा होगी उसके बदले में जो इसकी जो MOU साइन हुआ है वो बिजली बोर्ड के SDO साहब के साथ हमारे CGM का साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत ये जो जितनी बिजली पैदा होगी वो बिजली बोर्ड उसको खरीदेगा, और उसके बदले में जितनी हमारा बिजली ये यूनिट कंज्यूम करेगा उसके जितना खर्चा होगा उसको सेटलमेंट करके पूरे साल में उसको पूरा इसका करके करेंगे कि कितना देना है या लेना है, उसमें सारी बातें होंगी। जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली में जापान की रहने वाली महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जिला मंडी के कटौला का रहने वाला है और वो मनाली में टैक्सी चलाने का कार्य करता था। पुलिस ने संदेह के आधार पर पहले आरोपी को गिरफ्तार किया था। जब पुलिस ने आरोपी से कड़ी पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस ने आरोपी को रोहतांग से गिरफ्तार किया।
आरोपी अपनी टैक्सी में वहां सवारियों को घुमाने ले गया था। आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद अब पुलिस ने उसे अदालत में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। गौर रहे कि जापान से मनाली घूमने आई महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि गत दिन एक टैक्सी चालक ने उसे कुल्लू पहुंचाने के बजाय जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। हालांकि विदेशी महिला आरोपी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, जिसके चलते पुलिस टीम को भी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। एसपी कुल्लू शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। मॉडल की कोई गाड़ी जो इस टाइम में रिलेटेड है, बाकी काम इस पर हमारी 30-31 की रात को ही मनाली में 6-7 जगह पे रेड किया गया और डिफरेंट टीम जिसमें काम करी थी। टेक्निकल जो विक्टिम ने कुछ एक स्पॉट्स हमें बताए कि जहाँ जहाँ वो व्यक्ति उसे लेके गया था, जो विक्टिम को याद थी उनके बारे में हमने टावर डम्स और CDRs के माध्यम से लिंक स्थापित करने की कोशिश की, कौन सा व्यक्ति इस पर्टिकुलर टाइम में इस जगह हो सकता है, जो कॉमन नंबर हो सभी जगहों का। साथ ही में विक्टिम द्वारा जो टाइमिंग बताई गई थी मनाली आने की, मनाली छोड़ने की, उसके ऊपर आए हुए फोटो से भी फुटेज जो है मोस्ट ऑफ थी, लेकिन उसमें भी एक्यूज कहीं पर भी हमें मिला नहीं। लेकिन फिर भी ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो टेक्निकल सर्विलेंस हमारी रहती है, उन दो सेल्स ने इंपॉर्टेंस पर अच्छा काम किया। इंस्पेक्टर अनिल की टीम ने फाइनली रोहतांग के एरिया में व्यक्ति को जो है वो शक के बिना पर पकड़ा और फर्दर क्योंकि उसका TIP होना बचा था तो इंटरोगेशन हम नहीं कर पाए, लेकिन सस्पेक्ट के जो भैया है वो विक्टिम द्वारा बताया गया, ऐसा लगा हमें कि वो काफ़ी हद तक मैच करता है और साथ में उसका व्यवहार भी थोड़ा सा संदिग्ध हुआ, हमें जब पुलिस के नीचे पकड़ा तो पाया गया। तो इस पूरे प्रकरण में 12 घंटे के अंदर ही पुलिस जो है वो एक ब्लाइंड रेप के जो विदेशी महिला अननोन व्यक्ति, इसको हम क्रैक कर पाए हैं। तो 6-7 टीम कंटिन्यूसली इसमें एक्टिवली मनाली पुलिस स्टेशन में काम स्पॉट की अगर बात करें तो क्या कुछ आता है। भुंतर स्थित टेगुवेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खसरा और रुबेला रोग की विस्तृत जानकारी के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। खंड चिकित्सा अधिकारी जरी डॉक्टर रंजीत ठाकुर ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, तो वहीं CDPO कुल्लू रघुवीर इस एक दिवसीय कार्यशाला में विशेष रूप से उपस्थित रहे। भारत सरकार द्वारा चलाए गए खसरा को समाप्त करने के लिए रुबेला अभियान चलाया है, उसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए BMO डॉक्टर रंजीत ने बताया कि मिजल रुबेला टीकाकरण के लिए निश्चित किए गए लक्ष्य के अनुसार बच्चों का टीकाकरण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर आम जनता, विशेष तौर पर माँ बाप और अध्यापकों को जागरूक किया गया। यह अभियान 4 से 17 जून तक चलेगा। एक दिवसीय कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टर, सुपरवाइज, आशा वर्कर आदि को अच्छे कार्य करने पर सम्मानित किया गया, उन्हें प्रशंसा के प्रमाण पत्र भी दिए गए। हिमाचल प्लस के लिए भुंतर से संजय की रिपोर्ट। आज एक दिवसीय कार्यशाला CHC टेगुवेर के प्रांगण में आयोजित किए गए। इस कार्यशाला में जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जो कार्यक्रम है इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट, सघन दस्त रोकथाम पखवाड़ा जो 4 जून से लेकर 17 जून तक मनाया जा रहा है, इसमें सभी डॉक्टर्स, सुपरवाइजर्स, हेल्थ वर्कर्स, आशा वर्कर्स और ICDS विभाग से आए हुए CDPO और उनके सुपरवाइजर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ आज ये कार्यशाला की गई। इसके अलावा आज के दिन ही जो मिजल रुबेला कैंपेन 2017 में सितंबर और अक्टूबर महीने में जो संपन्न हुआ था, उसके सर्टिफिकेट्स जो भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं वो सभी चिकित्सा अधिकारी, सुपरवाइजर्स, हेल्थ वर्कर्स, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को आज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। मेरा नाम दिशा, मैं ग्राम पंचायत पशौड़ा से और मैं आशा वर्कर की डिस्ट्रिक्ट प्रधान हूँ। जो आज यहाँ टेगुवेर में प्रोग्राम रखा BM सर ने, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस दिन आज मिजल रुबेला के ऊपर हमारे को प्रमाण पत्र दिए गए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमने काम किया। आगे भी हम ऐसे ही सर के साथ मिलकर, पूरे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम ऐसा ही काम करेंगे। हमारा मकसद यही है, आशा वर्करों का जैसे हेल्थ में जैसे हम हैं, तो हमारा यही कि जैसे गांव में जैसे हमारी डिलीवरी होती हो, घर पे ना हो, वही हॉस्पिटल में हो, और जैसे जो सुविधा हम गाँववासी पहले ले नहीं सकते हैं और वो अब सारी सुविधाएँ जैसे हमारे द्वारा लोगों को प्रदान की जाएगी। जिला स्वच्छ भारत मिशन कुल्लू की बैठक शनिवार को जिला परिषद भवन में हुई।
जिसकी अध्यक्षता परिषद की अध्यक्ष रोहिणी चौधरी ने की। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कुल्लु जिला में किए जा रहे विभिन्न कार्य और ठोस व तरल कचरा प्रबंधक योजना पर बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। रोहिणी चौधरी ने बताया कि ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के लिए जिला कुल्लू की सभी 204 ग्राम पंचायतों के लिए लगभग 32 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर हुई है। इस परियोजना को जिला में विभिन्न चरणों में लागू किया जा रहा है और अभी तक 135 पंचायतों में इसे आरम्भ किया जा चुका है। शेष बची 69 पंचायतों को भी इसमें शामिल करने के लिए बैठक में मंजूरी दे दी गई। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि इन 69 पंचायतों में भी ठोस व तरल कचरा प्रबंधन पर 11 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। जून का महीना शुरू हो चुका है जिसमें तापमान इतना बढ़ चुका है कि दिन के समय धूप में चलना भी मुश्किल हो गया है। कुल्लू में लोग गर्मी से झुलस रहे हैं। युवतियां दिन के समय गर्मी से बचने के लिए छतरी का सहारा ले रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग नदी के पानी में डुबकी लगा रहे हैं। शुक्रवार को ग्राम पंचायत मोहिनी के पाटन गांव तथा पोड़ी में 5 बजे आए तूफान ने तबाही मचा दी, जिसके चलते गांव में कई घरों पड़ाछों की जहां छतें उड़ी, वहीं गलीज वाले घरों के दरवाजे खिड़कियां उखाड़ दी व खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए तथा बागवानों की तेज हवा व तूफान से बगीचों में पौधों से फल भी उजड़ गए, जिससे स्थानीय लोगों का काफी नुकसान हुआ। स्थानीय वार्ड की पंच चंद्रा देवी ने बताया कि शुक्रवार की शाम को पेड़चा गांव में एकाएक मूसलाधार बारिश के साथ तेज आंधी तूफान ने तबाही मचा डाली। तूफान के कारण एक दर्जन भर ग्रामीणों के घरों पड़ाछों के अतिरिक्त सेब के बागवानों का भी नुकसान हुआ। उधर प्रधान ग्राम पंचायत मोहिनी जबना ठाकुर समिति सदस्य इंदिरा परमार ने प्रशासन से मांग की है कि तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए राजस्व विभाग की टीम भेजी जाए ताकि तूफान से प्रभावित परिवारों को सरकार से मुआवजा शीघ्र दिलाया जाए। हिमाचल प्लस के लिए बंजार से योगी राधे की रिपोर्ट। कुल्लू मनाली में पर्यटन सीजन शुरू होते ही यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। पूरा मनाली पर्यटकों से भरा पड़ा है। ऐसे में जिला पुलिस भी अलर्ट हो गई है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जिला पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगा रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पर्यटक नदी के पानी में जाकर फोटोग्राफी करने से नहीं हट रहे हैं। ऐसे में कभी भी दुर्घटना घट सकती है। 2 जून को जरी के गांव पाठला में देवता काली नाग और देवता अग्निपाल की रथ पालकी को बड़े ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया। इस धूप के अवसर पर 900 हरियाणों ने भाग लिया। देवता काली नाग के कारदार ललित मोहन और देवता अग्निपाल के कारदार हीरालाल सहित 300 महिलाओं ने देवता को धूप दिया। हमीरपुर में हर दिन होते हैं सैकड़ों चलान, जिसमें आईपीएस आकृति शर्मा व एएसआई विजय द्वारा संगठित टीम हर दिन शहर में कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए हमीरपुर पुलिस हर मोर्चे का नाका लगाए खड़े होते हैं। जहां भी किसी का कोई बिना लाइसेंस, बिना मिरर या बिना हेलमेट पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही करते हुए चलान करती है, या किसी के पास कोई भी कागजात नहीं पाए जाते तो उसकी गाड़ी को वॉन्ड कर थाना हमीरपुर ले जाते हैं, जिसमें हर दिन एक या दो नशे से धुत चालक मिलते हैं, जिन पर कार्यवाही करते हुए 5,000 रुपए का चलान कर गाड़ी को वॉन्ड कर लिया जाता है, और जब तक कोई जमानत नहीं देता तो उसको और गाड़ी को नहीं छोड़ा जाता है। एएसआई विजय ने कहा कि हम कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करने के लिए नियम का पालन करवाना सिखा रहे हैं, और जो उल्लंघन कर रहे हैं उनका चलान कर रहे हैं, जिसमें दिन में 50 से अधिक चलान हो जाते हैं। हिमाचल प्लस के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। ट्रैफिक के लगभग 30 चलान किए गए, जिसमें कुछ आइडल पार्किंग, और टिप राइडिंग, और एक नशे में वाइन पीकर स्कूटी चला रहा था, तो उसका हमने अपने एल्को सेंसर से चेक करके तो उसकी क्वांटिटी जो है 185 क्वांटिटी जो है एल्को सेंसर द्वारा चेक की गई, तो उसका चलान किया गया, तो झटके पर छोड़ा गया। नालागढ़ की एक कंपनी युवाओं को बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल कर रही है। जहां एक तरफ केंद्र व प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के वायदे कर रही है,
वहीं दूसरी तरफ कंपनी द्वारा पिछले 9 महीनों से 3 महीने का मानदेय का टोटा पूरा नहीं किया जा रहा है। कामगारों को अक्टूबर के बाद 3 महीने तक सैलरी नहीं मिली और 3 महीने बाद उनको महज 1 महीने की सैलरी ही दी जा रही है। मई महीना बीत चुका है लेकिन कंपनी द्वारा 3 महीने का सैलरी बैकलॉग अब तक नहीं पूरा किया जा रहा है। कंपनी की जब इच्छा होती है वो कामगारों को छुट्टी का नोटिस लगा देती है और साथ ही नो वर्क नो पे का फरमान भी सुना देती है। कंपनी की जब इच्छा होती है वो कामगारों को छुट्टी का नोटिस लगा देती है और साथ ही नो वर्क नो पे का फरमान भी सुना देती है, जिस कारण कंपनी में काम कर रहे कामगार अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए दिहाड़ी भी लगा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नालागढ़ में स्थित मेटालिस्ट फॉर्गिस कंपनी आर्थिक संकट के चलते कामगारों को अक्टूबर के बाद 3 महीने तक का मानदेय नहीं दे पाई। कंपनी के इस तरह के रवैये के चलते कामगारों ने 25 जून को श्रम अधिकारी नालागढ़ को अपना शिकायत पत्र सौंपा लेकिन उसका भी कंपनी को कोई असर नहीं हुआ, जिसके चलते आज कामगार संयुक्त रूप से एसडीएम नालागढ़ से मिले। कामगारों ने एसडीएम के माध्यम से श्रम अधिकारी को अपना शिकायत पत्र सौंपा। एसडीएम ने कंपनी पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। उधर दूसरी तरफ कंपनी मैनेजर ने कहा कि कंपनी घाटे में चल रही है जिस कारण कामगारों का बैकलॉग चल रहा है। हिमाचल प्लस के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। बस हमारी समस्या ये कंपनी हमारी सैलरी नहीं दे रही है जी, अभी मई महीने में फरवरी महीने की सैलरी आई है जी, क्योंकि फीस देने में दिक्कत हो रही है जी। कमरे का किराया नहीं हम दे पा रहे हैं, यहाँ कंपनी हमारी कोई लिहाज नहीं कर रही है। यहाँ हमारी कंपनी 3 कंपनियाँ हैं, तीनों का एक ही अकाउंट है, वो 2 प्लांटों की सैलरी वो दे रहे हैं जी, अपनी सैलरी वो दे रहे हैं। कंपनी कौन सी है ये? मेटालिस्ट कोचिंग है सर। शिकायत की है जी, अभी हमने पिछले हफ्ते लेबर इंस्पेक्टर के पास शिकायत की है जी, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। उसके बाद तो हमने अब एसडीएम ऑफिस में की है सर, एसडीएम सर से की है, उन्होंने अभी दिलासा दिया है कि हम आपके बारे में करेंगे कार्रवाई करेंगे कोई, तो अगला कदम तो सर क्या बताएं जी, हम मजबूर इतने हैं जी, आगे हम क्या बताएं, हम क्या करें सर, दिमागी हालत हमारी वैसे परेशान है, हम अब कहाँ जाएँ, किसके पास जाएंगे। इनके लिए नोटिस कटा हुआ कंपनी के लिए ना, 8 तारीख को मैंने कंस लिखे रखी है जहाँ पे बुलाया हुआ उनको, टेलीफोनिक भी उनको प्रेशराइज किया हुआ कि जल्दी से जल्दी इनकी सैलरी है उनको उसका भुगतान किया जाए। गरीब आदमी है, मजदूरों को ये कहना है कि सर बड़े लोगों की तो सैलरी आ रही है उनके पास, एक ही यूनिट का इश्यू है। मैंने उनको काफ़ी प्रेशराइज किया हुआ मैनेजमेंट को भी कि जल्दी से जल्दी इनकी सैलरी जो है रिलीज करवाई जाए इनकी। बाकी मैंने 8 तारीख की कंस लिखे रखी हुई है और मैनेजमेंट को भी मैंने यहाँ बुलाया हुआ है और मैंने उनको लेटर भेजा हुआ, मैनेजमेंट को भी वर्करों को भी इंटीमेशन दे दी गई है।